कानपुर देहात से खबर, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल। ग्लूकोज की बोतल थामकर मरीज को भेजा गया वार्ड। मरीज के साथ नहीं दिखा कोई स्वास्थ्य कर्मी। मरीज को वार्ड तक ले जाने के लिए नहीं दिया गया स्ट्रेचर। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की चल रही है मनमानी। तो बड़ी खबर, ग्लूकोज की बोतल थामकर मरीज को भेजा वार्ड के अंदर, स्ट्रेचर ही नहीं था। एक तरफ जहां जिला अस्पताल में मरीज को ग्लूकोज की बोतल थमाकर वार्ड में भेज दिया गया है, तो वहीं शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को स्ट्रेचर नहीं दिया गया, जिसके बाद उसके परिजन उसे गोद में लेकर अस्पताल में घूमते नजर आए। आप देखिए क्या है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये कानपुर की तस्वीरें जहां मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, उसके तीमारदार उसे गोदी में उठाकर लेकर जाते हुए नजर आए। कानपुर देहात की यह खबर। तो अस्पताल में लापरवाही। प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभात, दो खबरें हम दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये तस्वीर जो है, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, एक के बाद एक इस तरह की जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो दौरे करते हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन जांच होती है तो उसके बाद शायद कार्रवाई नहीं होती है, और यही वजह है कि जो ये इस तरह की तस्वीरें हैं एक के बाद एक लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में सरकार हो या फिर जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको सख्त कदम उठाना चाहिए, और जो भी इस तरह की लापरवाही में सम्मिलित होते हैं, जिनकी वजह से इस तरह की घटना सामने आती है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आना बंद होंगी। जी चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। मरीज के साथ नहीं दिखा कोई स्वास्थ्य कर्मी, नहीं मिल रहा इलाज, मुश्किल में जिंदगी।